बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं आपके लिए, इससे पहले भी मैं दो बार पिज़्ज़ा बना चुकी हूँ, आज मैं अपने घर में बना रही थी, मैंने सोचा ये भी आपसे शेयर करूँ कि बहुत ईजी, सिंपल और विदाउट अवन हम इसको बेक करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपसे शेयर करने से पहले आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआओं में मुझे याद रखें। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले जो डो हम बनाते हैं उसके लिए मैंने लिया है, ये एक्यूरेट डो बनती है, बहुत मज़े की बनती है। और आप कहेंगे कि लेकिन मैंने जब भी ये पिज़्ज़ा ट्राई किया है हमेशा इसकी मुझे अप्रिसिएशन मिली है, तारीफ़ मिली है, तो आपसे यही डो मैं आपसे शेयर करूँगी। ये मैंने ली 2 कप, जो मेयरमेंट वाला कप होता है, 2 कप मैदा, और इसमें मैं तकरीबन आधा चाय का चम्मच नमक डालूँगी, आधा चाय का चम्मच नमक और 2 कप मैदा। इसको मैं एक तरफ रख दूँगी, और फिर हम लेंगे 3/4 कप पानी, नीम गर्म पानी, तेज़ गरम नहीं, नीम गरम पानी। उसमें हम 1 चाय का चम्मच चीनी डालेंगे और 1 चाय का चम्मच हम उसमें डालेंगे ईस्ट। उसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए, वो जब राइज हो जाएगा, उसका मतलब ये है कि अगर वो राइज हो गई आपको पता चल जाएगा कि आपकी ईस्ट जो है वो काम कर रही है, वरना ऐसा होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका मैदा जो है वो आप उसमें ईस्ट अगर डायरेक्टली डाल दें तो फिर वो ख़राब हो जाता है, राइज नहीं होता। तो इसलिए ईस्ट को राइज करने के लिए हम ल्यूक वार्म वाटर लेंगे, नीम गर्म पानी, उसमें हम 1 चाय का चम्मच चीनी डालेंगे और 1 चाय का चम्मच हम उसमें ईस्ट डालेंगे। ईस्ट जो है ये मैं रोज़ मोर की यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी ईस्ट है ये, और हमेशा इसने काम किया है, बहुत अच्छी, रेकमेंड करूँगी कि आप रोज़ मोर की ईस्ट यूज़ करें। ये हम लेंगे और इससे हम डो बना लेंगे, और जो इसकी इसमें हम फिलिंग करेंगे वो हम, मैंने चिकन लिया है 1 पाव, बोनलेस चिकन लिया है 1 पाव। इसको मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच लेके ऑयल, हल्के से ऑयल में इसको फ्राई करके, नमक मिर्च, सोया सॉस जाएगा इसमें, चिली सॉस जाएगा, एप्पल साइडर विनेगर जाएगा, और इससे हम एक बहुत मज़े का चिकन रेडी करेंगे टॉपिंग में। और अदरक लहसुन का पेस्ट बता दिया मैंने आपको, और पिज़्ज़ा सॉस बनाऊंगी मैं 1 टमाटर की, बहुत रहेगी 1 टमाटर की पिज़्ज़ा सॉस। उसमें मैं थोड़ी सी केचप और अदरक लहसुन जो चॉप करके मैंने आपसे शेयर की हुई है पिज़्ज़ा सॉस, वो बनाएंगे हम। और टॉपिंग के लिए मैंने लिया ये एक तकरीबन आधी शिमला मिर्च, टॉपिंग के लिए काफ़ी रहेगी, क्योंकि मैं जिन बच्चों के लिए बना रही हूँ उन्हें वेजिटेबल्स पसंद नहीं है, वो डिस्कार्ड कर देते हैं, तो लेकिन वो खूबसूरत बहुत लगता है टॉपिंग पे, इसलिए मैं थोड़ी यूज़ कर रही हूँ। ये गाजर ली है मैंने तकरीबन, ये भी आधी गाजर आधी शिमला मिर्च, इसको मैंने जूलियन साइज में काट लिया, और चेडर चीज़ जाएगा इसमें टॉपिंग के लिए, और मोज़रेला चीज़, ये दोनों चीज़ मैंने ले लिए हैं, और केचप और ऑलिव्स भी जाएंगे इसमें, ब्लैक ऑलिव्स ये भी टॉपिंग में जाएगा, और ओरिगैनो हम इस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे, और क्रश चिलीज रेड वाली वो हम इसमें क्रश करके ऊपर से टॉपिंग करेंगे। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं चिकन पिज़्ज़ा। ये फजीता पिज़्ज़ा फ्लेवर भी हो सकता है और टिक्का भी, आपकी मर्ज़ी, आप जो सा मर्ज़ी बना लें। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं पिज़्ज़ा। ये मैंने नीम गर्म पानी ले लिया, इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 1 चाय का चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच चीनी, और 1 चाय का चम्मच ईस्ट। इसको मैं काट लेती हूँ पैकेट को, 1 चाय का चम्मच, ये इसमें 2 चाय का चम्मच होता है, यानी कि आप 2 बार इस पैकेट से चीज़ बना सकते हैं। देखिए ईस्ट 1 चाय का चम्मच, इसको बस मैं मिक्स कर लूँगी, और इसको मैं राइस होने के लिए रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, 10 से 15 मिनट तक ये राइस होगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पिज़्ज़ा की डो बनाने के लिए देखें, ईस्ट मैंने इसमें चीनी और ईस्ट डाल दिया था नीम गर्म पानी में, कितनी अच्छी राइस हो गई है, बहुत अच्छी। और ये इसमें मैंने नमक
डाल के रखा हुआ था मैदे में। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं, गून लेते हैं। इसमें मैं ये थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी। दो को बना के रख के तकरीबन आपने आधा घंटा इसको भी स्टे देना है। फिर आप जो पिज़्ज़ा पैन पे पिज़्ज़ा सेट करेंगे, अगर आप उसको भी 5-10 मिनट दे देना तो बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनता है। जितना आप इसको राइस करने का टाइम देंगे उतनी अच्छी आपकी डो रेडी हो जाएगी। एकदम नहीं मैंने डाला ताकि खराब ना हो जाए। नरम डो, जितनी नरम डो होगी उतना ही आपका पिज़्ज़ा जो है ना वो अच्छा बनेगा। थोड़ी देर इसको हम रखेंगे, ये सेट हो जाएगा। इसको मैं रखूंगी थोड़ी देर सेट होने के लिए, तो ये सेट हो जाएगा। पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले जो हम सॉस बनाएंगे, पिज्जा सॉस, ये मैंने एक खाने का चम्मच ऑयल लिया, सिर्फ एक खाने का चम्मच। और इसमें मैं डाल दूंगी, ये मैंने डाल दिया अदरक लहसुन पिसा हुआ, और ये मैंने एक टमाटर का पेस्ट बना लिया है ब्लेंडर में, एक टमाटर को पीस लिया है मैंने। और इसमें मैं डाल दूंगी अब ये मसाले। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक 4 टीस्पून, स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, थोड़ा सा डाला है बस। कुटी हुई लाल मिर्च ये भी 4 टीस्पून, वाइट पेपर चुटकी के हिसाब से बस, क्योंकि हमने एक लार्ज और एक मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बना रहे हैं हम, इसी डो से ना मैं थोड़ा थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बना रही हूँ। मस्टर्ड पाउडर मैं डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। और ओरिगैनो थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें, क्योंकि टॉपिंग पे भी हम यूज़ करेंगे, ओरिगैनो का फ्लेवर जो है ना वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। इसको थोड़ा सा पकालेंगे टमाटर, पिसे हुए टमाटरों को, फिर मैं इसमें डाल दूंगी सोया सॉस और केचप। ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा इसको पका लें, फिर मैं इसमें सोया सॉस और केचप। सॉस हमारी पक रही थी, इस दौरान लाइट चली गई, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम होगा लेकिन चले खैर। ये पानी खुश कर लिया मैंने, टमाटर जो मैंने पिसा हुआ टमाटर डाला था इसमें मैं डाल दूंगी अब एक खाने का चम्मच सोया सॉस। तकरीबन 1-2 खाने के चम्मच केचप। बस ये सॉस हमारी रेडी है, इसको मैं एक तरफ रख दूंगी। और अब हम करते हैं चिकन की तैयारी, तो फिर करनी है हमने पिज्ज़ा में। पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर ली,
और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाइट भी आ गई। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, बस 1 से 2 खाने के चम्मच, और 1 खाने का चम्मच हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ऑयल ऑयल हो जाता है इसलिए मैंने ना ज़्यादा ऑयल नहीं डाला इसमें। मैं डाल दूँगी चिकन, चिकन जब पिंक से वाइट हो जाएगा फिर मैं इसमें जो चीज़ें डालनी है वो डाल दूँगी। अभी इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। चिकन हमारा बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया, अब हम इसमें डाल देते हैं मसाले ताकि ये फ्लेवर आ जाए इसमें। इसमें हम डाल देंगे 1/2 चाय का चम्मच नमक, क्योंकि सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका जाएगा इसलिए इसमें मैं थोड़ा डाल रही हूँ। 1/2 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच सफेद मिर्च, 1/2 ही चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, ग्रेवी तो हमने बनानी नहीं, बस पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए ये फ्लेवर चाहिए बोटियों में। इसमें डाल दूंगी मैं चिली सॉस तकरीबन 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, एप्पल साइडर विनेगर ये मेरे पास है ये भी मैं डाल दूंगी 1 खाने का चम्मच। इसको मैं इसमें डाल के नाप लेती हूँ कितना डाल दूँ। एक खाने का चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसलिए मैं इसमें 1 खाने का चम्मच। बस उसको मैं थोड़ा सा चिकन जो है वो थोड़ा टेंडर हो जाए इसी में और अब हम डो बना के रेडी करते हैं। ये रेडी है चिकन, पिज़्ज़ा को मैंने सेट कर दिया और ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अब मैं इसमें कर दूंगी प्रिक कांटे की मदद से, ये देखें मैंने पहले इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाई, पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी डाली है चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़, उसके बाद फिर मैंने ये चिकन को इस तरीके से सेट कर दिया और शिमला मिर्च को भी सेट कर दिया। ये वीडियो लंबी हो जाती इसलिए मैंने इसको इस तरह से किया। अब मैं इसमें ये चेडर चीज़ डाल दूँगी, और ये मोज़रेला चीज़ को आप साइड से बचा के डालिएगा क्योंकि फिर वो ना बेक होते हुए सारा ना चिपक जाता है। दूसरा पिज़्ज़े के लिए हम और ग्रेट कर लेंगे चेडर चीज़, ये मोज़रेला भी उसको मैंने सेट कर दिया लेकिन उसकी टॉपिंग के लिए अभी मुझे और चीज़ चाहिए क्योंकि चीज़ी चीज़ी अच्छा लगेगा। बस अब हम इसको
बेक होने के लिए रख देंगे, ज़्यादा फिर वो चीज़ जो है ना वो क्या फ़ायदा, नुकसान ही देता है चीज़ लेकिन अच्छा लगता है। चलें इसको अब मैं अपनी पतीली में रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये है मेरा ओवन और ये पिज़्ज़ा रेडी है। मैं अब इसे निकाल लूँगी और फिर आपको सर्व करके दिखाती हूँ। दोनों पिज़्ज़े जब रेडी हो जाएंगे फिर दिखाऊंगी जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये पिज़्ज़ा रेडी है, ये लार्ज पिज़्ज़ा और ये मीडियम दोनों रेडी हैं। और इसको मैं अब निकाल दूँगी, इसको बड़े को ज़रा साइड पे कर दूँ क्योंकि ये गिफ्ट जाएगा। इसको मैं एज इट इज़ भेज रही हूँ जहाँ मुझे भेजना है। अभी मैं इसकी मीडियम की मैं कटिंग करती हूँ। कटिंग मुझे आती नहीं है करनी, इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कटिंग करने में, लेकिन फिर भी करते हैं इसकी कटिंग। अगर बड़े स्लाइस आपको पसंद है तो आप बड़े स्लाइस कर लें, लेकिन मैं बस थोड़ा छोटा साइज कर लें। हो गई कटिंग। इसको अब हम देखते हैं कि कैसा बना है ये हमारा पिज़्ज़ा। क्योंकि कॉर्नर से कटिंग ही हुई ना सही, इससे वैसे माशाल्लाह पिज़्ज़ा रेडी है और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और दुआ में मुझे याद रखिए। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।